पर्दा डालने की कोशिश मत करो। पता है मुझे क्या क्या कहा होगा उसने? अम्मा पता है क्या हुआ था? अरे बेटा कुछ भी नहीं हुआ था, छोटी सी बात थी जिसका उसने बतंगड़ बना डाला। मुझसे पैसे मांगे उसने, मैंने पूछ लिया कि क्या करोगी इतने पैसों का, कहने लगी मुझे पार्लर जाना है। बस उस पे मैंने कहा कि तुम शहूद से पहले इजाजत तो ले लो। इसी बात पे वो भड़क गई और उल्टी सीधी बातें करने लगी। उसको नहीं पता कि वो इद्दत पे। बेटा इद्दत उसकी खत्म हो रही है। अम्मा की इद्दत खत्म हो रही है तो इसका मतलब है कि दोबारा बाहर जाना शुरू कर दे वो। बेटा मेरा तो ख्याल है कि अब तुम फायजा को घर का खर्चा देना शुरू करो, जिम्मेदारी डालो उसके ऊपर, घर संभालना आना चाहिए उसे। ये मशवरा भी आपको उसी ने दिया होगा? समझ गया हूं, उसने क्या कुछ कहा होगा देखता हूं। जी अंकल, कैसा लगा खाना आपको? बहुत टेस्टी था बच्चा। मेरी एक फ्रेंड ने रेफर किया था, मैंने फर्स्ट टाइम मंगवाया। गुड यार, दैट बिल्कुल घर जैसा खाना था, है ना? वैसे आपस की बात है, तुम्हारे मॉम के डिनर से भी ज्यादा शानदार खाना था। अब आप उनके सामने ये मत कह दीजिएगा प्लीज, अगर आंटी भी बनवा दी तो बहुत अच्छा ही बनवा दी, और उनके सामने तो बिल्कुल मत कहिएगा, उनका मूड पहले ही बहुत खराब है। डैड वैसे वरीशा भी मॉम से डरने लगी है। डरती नहीं हूँ मैं, रिस्पेक्ट में कह रही हूँ, लिहाज करती हूँ उनका। अरे माशाल्लाह बेटा, बहुत अच्छी तबीयत है तुम्हारी। अच्छा आप लोग बैठे, मैं आप लोगों के लिए कॉफी बोल के आते हूँ। कृष्णा ये क्या किया है तुमने? क्या मतलब क्या किया, अब क्या कर दिया है मैंने? क्या जरूरत थी तुम्हें अम्मा से और फातिमा से बहस करने की? बहस नहीं की मैंने उनसे, सिर्फ उन्हें आईना दिखाया है। मत दिखाओ दूसरों को आईने। क्यों मेरे मसाइल में इजाफा कर रही हो तुम? आपके मसाइल में इजाफा नहीं कर रही, आपके मसाइल हल कर रही हूँ अम्मी। बरसों से इस घर में दादी और पुप्पो ने राज किया है, अब आपका भी तो हक है, अब आप राज करेंगी। मैं अपने मसाइल का हल खुद निकाल लूंगी रुशना, तुम अपनी फिक्र करो। अरे भाई तुम्हें कितनी दफा समझाया इस घर के रहने वालों से बना कर रखो, अगर तुम्हारे बाबा के साथ साथ अम्मा और फातिमा भी तुम्हारे खिलाफ हो गए तो कैसे टिकोगी इस घर में, मुझे ये बताओ। देखो बेटे थोड़ा समझदारी से काम लो, इन सबसे बना कर रखो। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसी खामोशी से इनको बर्दाश्त करती रहती हूँ? इसलिए ऐसा करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कैसे इन लोगों से काम निकालना है। बहुत बेवकूफ हो तुम तो। शायद हमी ठीक कहती हैं, मुझे नौफल को हासिल करना है हर हाल में, और उसके लिए इस घर में रुकना जरूरी है बहुत। अच्छा सुनो, पकड़ो अपने पैसे, बिक गया तुम्हारा ब्रेसलेट। क्या बिक गया अम्मी? हाँ बिक गया, सोना असली था पर जो डायमंड्स कह रहे थे ना वो सब नकली थे। वो चलो शुक्र है कुछ पैसे तो मिले, अपना कुछ बोल देना उनको। जी